फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा। तो जब कभी आपका पिज्जा खाने का मन करे तो आप इस तरह से घर पर बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी आटा और एक चौथाई कटोरी लिया है मैदा। आज हम आटे से बनाएंगे अपना पिज्जा। तो यहाँ पर एक चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक। अभी यहाँ पर डाल देंगे हम दही और इसका हम एक सॉफ्ट आटा लगा के कर लेंगे तैयार। तो पिज्जा बेस के लिए हमें इस तरह का सॉफ्ट आटा चाहिए, एकदम लचीला। तो अभी इसको हम 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ली हुई है कैप्सिकम, रेड कलर की, येलो एंड ग्रीन। तो अभी इनको हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे और इनको अभी हम करेंगे फ्राई, क्योंकि हम तवा पिज्जा बना रहे हैं तो उसमें हमें फ्राई करना ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही डाल देंगे तो वो कच्ची कच्ची सी लगेंगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एकदम तेज आंच पर हम कर लेंगे कैप्सिकम को फ्राई। और जो ये हमारा पिज्जा बनेगा तो ये एकदम मार्केट से भी अच्छा टेस्टी पिज्जा बनकर होगा तैयार। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आटा हो चुका है तैयार। अब हम इसका बना लेंगे पिज्जा बेस। तो यहाँ पर सूखा आटा रखा है, उसके ऊपर रख लिया है हमने अपना आटा और इसे उंगलियों की सहायता से इस तरह से पिज्जा बेस बना लेंगे। अभी इस तवे पर हम इसको अच्छी तरह से, जहाँ कहीं मोटा रह जाए तो अब इस तरह से फैला दें। अभी देखिए, हमारा एक तरफ से सिक के हो गया है तैयार, एकदम साइज में हो गया है ना डबल। तो देखिए, अब हम इसकी करेंगे टॉपिंग। तो यहाँ पर लिया है मैंने पिज्जा सॉस। अभी इसे अब इसके ऊपर से डाल देंगे चीज। यहाँ पर लिया है मोजरेला चीज। अब देखिए, यहाँ पर रख देते हैं कैप्सिकम जो हमने फ्राई करी थी। अभी हम इनको थोड़ा चम्मच की सहायता से देंगे दवा और सीजनिंग कर देते हैं ऑरेगानो से और ढक देते हैं 15-20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा पिज्जा अच्छे से नीचे से सिक ना जाए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पिज्जा अच्छे से सिक के हो गया है तैयार। अभी हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। देखिए ना, लग रहा है ना खूबसूरत? तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। और देखिए, अभी हम इसको काट के दिखाएंगे कि कैसा बना है हमारा पिज्जा। तो आप भी इस तरह से घर पर बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू।